ऊंचाई। जी, यह है आज की कविता का शीर्षक, जिसे लिखा है कुंवर नारायण जी ने। कुंवर नारायण जी बड़े ही जाने माने कवि हैं, जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है और पद्म भूषण सम्मान भी उन्हें दिया गया है। कुंवर नारायण जी को जीवन की आलोचना का कवि भी कहा जाता है, और उनकी ये कविता अंतिम ऊंचाई इस भाव को दर्शाती है कि जब हम किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो बड़े जोश और जुनून से भरे होते हैं, पर धीरे धीरे सब कुछ ढीला पड़ने लगता है, हम अपनी प्रेरणा खो देते हैं और दूसरे विकल्प तलाशने लगते हैं। इस कविता में उसको ही टटोला गया है और एक सीख भी दी गई है, तो चलिए सुनते हैं। इतना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब, अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस ऊल जलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। शुरू शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में।